अरे इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दो, अभी इमरजेंसी पीरियड हमारे लिए यार। साहब इधर बोर्ड नहीं लगाते ये लोग। मुंब्रा से पांचवी और छठवीं फास्ट रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया है। ऐसे में 24 घंटे का मेगा ब्लॉक है। मुंब्रा से ठाणे की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए ठाणे परिवहन समिति सदस्य शमीम खान ने बसों का खास इंतजाम किया था। ये बसें मुंब्रा रेलवे स्टेशन से कलवा ठाणे तक चलाई जा रही थी। शमीम खान ने बताया कि मेगा ब्लॉक के दौरान टीएमटी की 200 राउंड बसें मुंब्रा से ठाणे के लिए चलाई जा रही हैं और बड़ी संख्या में बसों में यात्री भी सवार हो रहे हैं। शमीम खान खुद बसों में यात्रियों को बिठाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान शमीम खान ने क्या कुछ कहा है। रास्ते पे आए हैं और बसें खुद से छोड़ रहे हैं, ये क्या रीज़न है पूरा? देखिए, ये रीज़न ये है कि जिस तरीके से आज संडे है और रात 12 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक के लिए यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, यानी ट्रेन नहीं चलेगी, लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। यहाँ पे काम चालू है उसके हिसाब से, पांचवी और छठी लाइन का काम चालू है, तो उसके हिसाब से जो है आज यहाँ पे पैसेंजर्स को अगर मुंबई जाना हो, कहीं किसी को रीवा जाना हो, कहीं किसी को डोंबोली जाना हो, भिवंडी जाना हो, गोवंडी जाना हो, कुर्ला जाना हो, मुंबई के किसी अतराफ इलाके में जाना हो, तो उसकी सुविधा का क्या? हमारी आवाम कैसे जाएगी अपने घरों तक, कैसे पहुँचेगी शादियों के फंक्शन में, कैसे पहुँचेगी किसी हॉस्पिटल में? तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें इस बारे में मालूम थी, तो मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब विलास जोशी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमारा सभागृह में हमारी मीटिंग चल रही थी, तो हमने मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमने साहब से एक विनंती रखा था। हमने कहा साहब देखिए, मुंब्रा में ये संडे को ये प्रॉब्लम होने वाला है और संडे को बहुत सारे लोगों को यहाँ वहाँ आना जाना रहता है, तो उसको देखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होगी। उसके लिए सर कम से कम मुंब्रा से 230 फेरी बसेस चलाई जाए और दीवा से कम कुछ नहीं तो 100 क्रॉस बसें चलाई जाए। तो मैं साहब का, चेयरमैन साहब का, हमारे विलास जोशी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आज सुबह से वो यहाँ पे हम लोगों के साथ, हम लोग उनके साथ मिल करके हमारे यहाँ के मुकामी लीडर बबलू सैयद जी, बबलू शिमला भाई हमारे ब्लॉक के यहाँ के प्रेसिडेंट, संगीता धोनी जी, परवीन पवार, कनाडे जी खुद यहाँ मौजूद हैं। हालाँकि मेरा इनका हाउस में होता है कभी कभी, लेकिन जो आदमी काम करता है उसके काम की मैं सराहना भी करता हूँ। और रेलवे का बोलो, दो चार दिन में व्हाट्सएप के माध्यम से दो डबल लाइन का 4-5 दिन में जो रेलवे स्टेशन का काम अधूरा पड़ा हुआ था कंप्लीट हो गया है। वो बहुत जल्द हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के हाथों से उसका उद्घाटन होगा और जो भी फैसिलिटीज होगी रेलवे को भी लेकर के हम लोग, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को, हमारे खासदार साहब को, जेवे साहब मैं चाहता हूँ अब आप यहाँ खड़े हैं तो हमारे वो भी खासदार हैं, हम सब लोग मिल करके और सरकार की, हमारी आघाड़ी सरकार मिल करके मेहनत करके उसको तैयार की है। आघाड़ी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं और खास करके हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का, जो 24 घंटा कलवा मुंब्रा विधानसभा को लेकर के एक्टिव रहते हैं। हम हमारी कौसा, मुंब्रा कलवा कौसा की जानिब से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रेलवे का नया गिफ्ट अवार्ड सब की तरफ से।